चूनी भोक। भाई क्या बोले, शिवाल भाई के सामने जो है ना मुंह से चूचा नहीं निकलती है भाई, इनका इतना भरम है। गरीब लोग है, हमें यहाँ रहना है, यहाँ पे काम करना है, ऐसे बंदों के सामने कुछ बोल नहीं सकते भाई। अच्छा तो बाबा आप क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, आपकी क्या सोच है, क्या पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक आ सकती है? भाई मैं, मेरा अपना ख्याल तो ये है कि जीत जाए, लेकिन अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो नाउमीदी नजर आ रही है, नामुमकिन लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, बहुत मुश्किल है। क्यों मतलब ऐसा क्यों, पाकिस्तान का शुरू से सही नहीं खेला क्या? फाल आपने देखे नहीं है, कर क्या रहे थे हम, क्या कर रहे थे, मतलब आप क्या कहते हैं, मतलब टीमों से एक आदमी जीत लिए, बाकी बड़ी टीमों ने लताड़ दिया उनको भाई। क्यों ऐसा क्यों, मतलब आप क्या कहते हैं ऐसा क्यों भाई? जब पैसा खाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा भैया। आप इस बात पे कॉन्फिडेंट है? दावतें उड़ा रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, फिटनेस पे कोई मतलब बाबा इस बात पे तो इफ्तिखार अहमद ने बोला ना कि आप जब हम जीते तब बिरयानी याद नहीं आती और हम हारते तब बिरयानी याद आ जाती है। भाई कौन सा जीत लिया वर्ल्ड कप में, क्या जीत लिया बाबा? बगैर पूरा टीम से बाबा एक बार बताना, अफगानिस्तान से तक तो हार गए जो कल, बाबा एक बार बताना, न्यूजीलैंड से पूरा स्कोर भी नहीं बना तब भी जीत गए, अब बता रहे वो क्या? पूरा मैच होता तो पता चलता है, 10 मैचों में एक मैच जीत गए, क्या जीता बाबा? तो ऐसी है वो सेमीफाइनल में आ रहे हैं, अगर एक मैच जीते होते तो सेमीफाइनल में वो हमेशा। बाबा आपकी स्पेशलिटी सुनने में आता है डिपार्टमेंट में कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है मजीद 15 का, वो क्या? मलिक 15 की एक अलग कहानी है, वो अभी जो है आप पर्दा है, पसे पर्दा रहने दें उसको, यहाँ नहीं बाबा। उसकी बड़ी तारीफ सुनी है आपके मुख से, हर बंदा ये बोलता है बाबा से पूछो, बाबा से पूछो, क्या है वहाँ बड़ी खतरनाक जो है ना एक सूरत हाल है, क्या है आपको ये बड़ा आम जो चीजें है ना उनसे थोड़ा हटके, क्या हटके मतलब क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, नंगा पन इसमें थोड़ी बता सकता हूँ भाई। आप सब बता रखते हैं, आप ये क्या बातें कर रहे हैं बाबा? और आप क्या कहते हैं शेवार भाई की पाकिस्तानी टीम क्या कहती है? शेवार भाई यार शेवार भाई बताए ना यार। हाँ चरण आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं कह रहा भाई। आप क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम यहाँ तक ऐसे क्यों आई? अपने अमाल की वजह से, पे चल के अपने अमाल की वजह से। नहीं अमाल आप क्यों कह रहे हैं, आप कोई रीजन तो बताए ना मुझे आप। अच्छा के लिए कोई रीजन है? रीजन बाबर आजम। क्या बाबर आजम की कप्तानी आपको पसंद नहीं आई? बाबर आजम सिगरेट नहीं पीता इसलिए। मतलब पाकिस्तानी टीम का सिगरेट नहीं पीता था ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई बंदा खाली सिगरेट वैसे भी नहीं पीता यार। ये कोई बात थोड़ी आपसे, इतना मेन इंटरव्यू ले रहे हैं और आप अपने कहानियों में लगे। हाँ नबील भाई आप क्या बोलते हैं कि जो बाबर साहब की मस्जिद बन रहा वाली कहानी हो क्या है? ये हकीकत है और बाबा साहब को ही पता है और ये यही चला रहा है इसको। जब मैंने इनसे बात पूछी इसका पता ही नहीं है, मजे की बात। मैंने जब इनसे ये बात पूछी और इतना खुश हो रहे थे पता नहीं क्यों। उनको एक क्लाइंट मिल रहा था इसलिए खुश हो रहे थे। और नबील भाई आपकी तरीके से आप क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम का क्या होना चाहिए? जो हो रहा है वही होना चाहिए, मतलब बाहर आ जाना। आ गई, आ गई। अच्छा इनको लाइन बुला सकते थैंक यू भाई।